हेलो, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम स्टडी करेंगे फूडबोर्न डिजीज और फूड हाइजीन के बारे में। ये लेक्चर आप हिंदी में देख रहे हैं। यदि आपको इंग्लिश में स्टडी करना है तो आई बटन पर क्लिक करें, वहां से आपको इंग्लिश लेक्चर का लिंक मिलेगा या आप डायरेक्ट चैनल को भी विजिट कर सकते हैं। फूड हाइजीन क्या है? फूड संक्रमण का एक संभावित स्रोत है और सूक्ष्म जीवों द्वारा कंटामिनेशन हो सकता है, उसमें उसके लिए उत्तरदायी होता है कोई भी फूडबोर्न डिजीज। और ये जो संक्रमण है या कंटामिनेशन है वो किसी भी लेवल पर हो सकता है, जब फूड का प्रोडक्शन हो रहा है या ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है या कंज्यूमर तक जब पहुंच रहा है, किसी भी पॉइंट पर वो कंटामिनेशन हो सकता है। तो व्यापक रूप से हम समझ सकते हैं कि फूड हाइजीन सभी प्रकार के भोजन का उत्पादन, हैंडलिंग और वितरण और इवन सेवा के दौरान जो स्वच्छता है उसे हम फूड हाइजीन के रूप में परिभाषित करते हैं। अब आता है फूडबोर्न डिजीज क्या है। खाद्य जनित जो बीमारी है या फूडबोर्न डिजीज है उसे हम इस प्रकार प्रभावित कर सकते हैं कि एक ऐसी बीमारी जो या तो संक्रामक या विषाक्त प्रकृति की हो सकती है और उन एजेंट्स के कारण होती है जो भोजन के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। इन फूडबोर्न डिजीज को हम दो प्रकार में डिवाइड कर सकते हैं कि एक तो फूडबोर्न इंटॉक्सिकेशन होते हैं टॉक्सिन्स के द्वारा और दूसरा है फूडबोर्न इन्फेक्शंस। पहले देखते हैं फूडबोर्न इंटॉक्सिकेशंस क्या है। इसको हम इसके अंदर भी एक पहली जो ग्रुप है वो है कि कुछ खाद्य पदार्थों में स्वाभाविक रूप से विषाक्त या टॉक्सिन्स होते हैं, जैसे लेथाइरिज्म जो बीटा ऑक्सिल एमिनो एलेनिन के कारण होता है और एंडेमिक एसाइटिस जो पाइरोलोजिडीन एल्कलोइड्स के कारण होता है। और कुछ फूड्स में बैक्टीरिया द्वारा उत्पादित जो विषाक्त टॉक्सिन्स होते हैं उनसे हो सकता है, जैसे बोटुलिज्म और स्टेफाइलोकोकल पॉइजनिंग फूड पॉइजनिंग। तीसरा होता है कि कुछ फंगस फूड पॉइजनिंग करते हैं टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करके, तो उसमें कौन सा है, एक तो है अल्फा टॉक्सिन जो एस्परजिलस फ्लेवस या एस्परजिलस पैरासाइटिकस नाम के फंगस से होता है और दूसरा है एर्गोट। ये क्या है, ये क्लेविसेप्स परप्यूरिया नाम के फंगस से होता है और तीसरा है फ्यूसेरियम टॉक्सिन्स, ये फ्यूसेरियम ऑक्सीस्पोरम के द्वारा होता है। उसके बाद आता है कि कुछ केमिकल्स के कारण टॉक्सिन्स हो जाए, जैसे हैवी मेटल्स लाइक मरकरी जो फिश में पाई जा सकती है, कैडमियम शेलफिश में हो सकता है और लेड जो कैंड फूड में हो सकता है। इसके अलावा ऑयल पेट्रोलियम डेरिवेटिव्स एंड सॉल्वेंट्स लाइक ट्राइसिरीन फॉस्फेट, माइग्रेंट केमिकल्स फ्रॉम पैकेजिंग मटेरियल, एस्बेस्टोस एंड पेस्टिसाइड रेजिड्यू लाइक डीडीटी एंड बीएचसी। उसके बाद नेक्स्ट ग्रुप आता है फूडबोर्न इन्फेक्शंस जो बैक्टीरिया वायरस या पैरासाइट्स के कारण हो सकता है। बैक्टीरियल डिजीज में आता है टाइफाइड फीवर, पैराटाइफाइड फीवर, सालमोनेलोसिस, स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शन, बोटुलिज्म, बेसिलस सीरीज फूड पॉइजनिंग, ई कोलाई डायरिया, विब्रियो पैराहिमोलाइटिकस इन्फेक्शन, स्टेप्टोकोकल इन्फेक्शन, शिगेलोसिस एंड ब्रुसेलोसिस। वायरल डिजीज में हम देखते हैं इसमें वायरल हिपेटाइटिस एंड वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस, और पैरासाइट डिजीज में वर्म इन्फेस्टेशंस लाइक टेनियसिस हाइडेटिडोसिस, टिक्नोसिस, एस्केरियसिस, एमेबियसिस एंड ऑक्सीयूरियसिस। अब आता है इसमें फूड हाइजीन में एक टॉपिक आता है फूड प्रिजर्वेशन। तो फूड प्रिजर्वेशन क्या है, कोई भी जो खाद्य पदार्थ है उसमें नॉन फूड मटेरियल उसमें ऐड करना जिससे जो फूड है वो लंबे समय तक प्रिजर्व किया जा सके, इसे हम फूड प्रिजर्वेशन कहते हैं। और इसमें जो नॉन फूड मटेरियल ऐड किया जाता है उसे हम फूड एडिटिव्स कहते हैं। जैसे अचार बनाना भी एक प्राचीन प्रथा है जिसका उद्देश्य नमक और मसालों को यूज करके खाद्य पदार्थों को संरक्षित करना। इसके बाद आता है कि जो अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो खाद्य प्रौद्योगिकी की, उसने भोजन के शेल्फ लाइफ को बढ़ाने, इसके स्वाद में सुधार करने और इसकी बनावट और रंग बदलने के लिए कुछ केमिकल्स को भी ऐड करना शुरू कर दिया है, जैसे ब्रेड, बिस्किट, केक, मिठाइयाँ, जैम, जेली, कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम, केचप और रिफाइंड तेल, इन सब में फूड एडिटिव्स होते हैं। फूड एडिटिव्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं दो कैटेगरीज में, कैटेगरी वन और कैटेगरी टू। कैटेगरी वन में आता है कि जैसे कोई कलर मिला दिया हो, जैसे केसर या हल्दी
फ्लेवरिंग एजेंट्स डाल दिया जाए जैसे वनीला एसेंस, मिठास के लिए सैकरीन ऐड किया जा सकता है, और प्रिजर्वेशन के लिए सोर्बिक एसिड या सोडियम बेंजोएट डाला जाता है, एसिडिटी इंक्रीज करने के लिए ताकि फूड खराब ना हो उसके लिए साइट्रिक एसिड और एसिटिक एसिड मिलाया जाता है, और इन एजेंटों को नॉर्मली जो कैटेगरी वन वाले हैं इन्हें मानव उपयोग के लिए सुरक्षित माना जा सकता है सीमित मात्रा में। बट जो कैटेगरी सेकंड के एडिटिव्स हैं वो वास्तव में एडिटिव वैसे देखा जाए तो है ही नहीं, वो एक प्रकार के कंटामिनेंट्स हैं जो पैकेजिंग प्रोसेसिंग स्टेप्स या फार्मिंग प्रैक्टिस में या जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं उनसे वो उसमें ऐड हो जाते हैं और जो मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए घातक हो सकते हैं। एक इसमें आता है फूड हाइजीन में एक सब टॉपिक आता है फूड एडल्ट्रेशन या मिलावट। खाद्य पदार्थों में मिलावट एक बड़ी पोषण संबंधी समस्या है। इसमें मिश्रण, प्रतिस्थापन, गुणवत्ता को छुपाना, बिक्री के लिए पुराने खाद्य पदार्थों को डाल देना, इस प्रकार के गलत काम करना, झूठे लेबल लगाना, ये सिर्फ लालच के लिए विषाक्त पदार्थों को मिलाना, ये सब फूड एडल्ट्रेशन या मिलावट कहलाता है। मिलावट के दो नुकसान है, पहला तो उपभोक्ता कम गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थ के लिए अधिक पैसा दे रहा है और दूसरा मिलावट के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत हानिकारक है, यहाँ तक कि इसमें मौत भी हो सकती है। उदाहरण के लिए हम देखें कि एपिडेमिक ड्रॉप्सी, सरसों के तेल के साथ यदि आर्जिमोन के तेल की मिलावट की जाए तो उससे एपिडेमिक ड्रॉप्सी हो सकती है। भोजन में मिलावट वैसे देखा जाए तो एक सामाजिक बुराई है, व्यापारी अपने पैसे के लालच में मिलावट में शामिल होते हैं और जब तक कि जनता इन लोगों के खिलाफ आवाज नहीं उठाती है, जागरूक नहीं होती, तब तक इस बुराई पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता है। यह अब देख सकते हैं कि आजकल कुछ स्वैच्छिक संस्थाएं या उपभोक्ता मार्गदर्शन जो सोसाइटीज हैं वो इसमें काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं जनता को जागरूक करने के लिए। अब है फूड फोर्टिफिकेशन। फूड फोर्टिफिकेशन क्या है? फूड फोर्टिफिकेशन मतलब भोजन में कुछ ऐसी चीजें मिलाना जो उसमें पहले से कम है, ऐसा एक न्यूट्रिएंट मिलाना, और यह एक पब्लिक हेल्थ मेजर है जिसमें पोषण संबंधी विकारों को दूर करने के लिए वो पदार्थ उसमें मिलाया जाता है। भोजन के फोर्टिफिकेशन को उस प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है कि जो किसी समूह, समुदाय या आबादी के आहार की गुणवत्ता को बनाए रखने या उसे सुधारने के लिए कम मात्रा में खाद्य पदार्थों में मिलाया जाता है। और इसका एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि नमक में जो आयोडीन मिलाया जाता है ताकि घेंघा नाम के रोग को यानी प्रिवेंट किया जा सके, तो ये फूड फोर्टिफिकेशन का ही एग्जांपल है। फूड फोर्टिफिकेशन एक समुदाय में कुपोषण की एक विशिष्ट समस्या को समाप्त करने के लिए एक दीर्घकालिक उपाय है। ज्यादातर जो पदार्थ ऐड किया जाता है वो बहुत ही कम मात्रा में होता है, परंतु ये ध्यान रखा जाना चाहिए कि वो इतना हो कि एज सप्लीमेंट प्रदान कर सके उस फूड जो न्यूट्रिएंट के लिए, और उसमें जो मेन फूड है उसमें कोई नुकसान भी वो ना पहुंचे, चाहे उसे ज्यादा भी खा लिया जाए। अब आता है कि फूड हाइजीन के क्विक टिप्स क्या है। तो एक तो खाना बनाने से पहले और शौचालय में जाने से पहले और बाद में हाथों को अच्छी तरह धोना चाहिए। खाना खाने से पहले भी हाथ धोने के लिए अपने परिवार के सदस्यों को प्रोत्साहित करें। भोजन के बनाते समय आसपास छींक या खांसी ना करें, और किसी भी प्रकार के जो किचन एरिया है वहां पर धूम्रपान नहीं करना चाहिए। खाना बनाने का जो क्षेत्र है वो मक्खियों और अन्य कीड़ों से मुक्त रखा जाए। भोजन की तैयारी के दौरान लंबे बालों को पीछे बांध के रखें ताकि जो बाल है वो भोजन में ना जाएं। खाना बनाने से पहले साफ कपड़े पहने, एप्रन या साफ खान पान वाली जो टी शर्ट या कैटिंग जैकेट पहन सकते हैं। यदि कहीं कट लगा हुआ है तो एक जल रोधक ड्रेसिंग या वाटरप्रूफ ड्रेसिंग उसके ऊपर लगाएं, घाव को कवर करें, और यदि कोई संक्रामक बीमारी है तो किचन में काम नहीं करना चाहिए। भोजन तैयार करने के लिए जो भी यूटेंसिल्स काम में लें वो साफ सुथरे हों। कच्चे और पके हुए भोजन को अलग अलग बर्तनों में उपयोग के लिए रखना चाहिए। बर्तन और अन्य उपकरण स्टोर करते समय भी बिल्कुल साफ रखें और सुरक्षित रूप से स्टोर करें ताकि उसमें कोई इंसेक्ट्स वगैरह ना जाए, और प्रत्येक जो बर्तन है वो भोजन तैयार करने से पहले फिर से साफ करें जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं या सर्व कर रहे हैं। यदि कोई गर्म भोजन है तो उसको 63 डिग्री से ऊपर रखा जाना चाहिए, और यदि ठंडा भोजन है तो
5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना चाहिए ताकि उसमें बैक्टीरियाज की ग्रोथ कम से कम हो। सर्व करने से पहले भोजन अच्छी तरह पका हुआ होना चाहिए, ये सुनिश्चित करें। एक से अधिक बार भोजन को गर्म ना करें और जब भी सर्व करें वो अच्छी तरह गर्म करें। कच्चे और पके हुए भोजन को अगर स्टोर करना है तो अलग अलग स्टोर करें। कच्चे और पके हुए भोजन के लिए कंटेनर भी अलग अलग रखें। सभी खुले हुए जो पैकेट्स हैं खाने के उनको अच्छी तरह पैक करके सुरक्षित रखें। निकट भविष्य में तैयार किए जाने वाले भोजन या पैकेट्स को कवर करके रखें और स्टोर किए गए भोजन को उपयोग में लेने के लिए यदि रखा हुआ है तो उसको एयरटाइट कंटेनर में लेबल लगाकर अवश्य रखें। तो ऐसे ही उपयोगी वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं मुझे ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, और अपने नोट्स बनाने के लिए ब्लॉगर विजिट कर सकते हैं, नर्सिंग नोट्स फेसबुक ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ।